अब इन्होंने क्या किया जरा सुने। सऊदीया में हमारे जो बुजुर्गों की मजारे हैं, जो मुकद्दस मकामात हैं, उनको ढाया गया और ढाकर ये बताया गया कि ये जो है सब कुफ्र और शिर्क के अड्डे हैं। हमारा अगर बस चले तो हम तो हिंदुस्तान की भी कब्रों को ढा डाले, क्योंकि रसूलुल्लाह का यही पैगाम है कि कब्रों को ढा दो। पहले मैं वो झलकियां दिखाऊं कि वो मुकद्दस मकाम जो हमारे लिए बड़े काबिल ताजीम है, उसके साथ इन्होंने क्या सलूक किया। और ये अजीब बददिमाग बद्दू कौम है ये अरब के नजदीक। दुनिया की जितनी ममालिक है दुनिया में, हर मुल्क में एक डिपार्टमेंट होता है, आपने सुना होगा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सुना है ना आपने आसार कदीमा। इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट, एक शोबा है, ये अपनी तारीख को खोजता है, अपने बुजुर्गों की तारीखों को तलाश करते हैं, खोज खोज के लाते हैं। दुनिया में हर मुल्क ने एक डिपार्टमेंट बनाया, आर्कोलॉजिकल का डिपार्टमेंट, ताकि तारीख को तलाश किया जाए। मगर ये दुनिया के पहले बदबख्त है जो अपनी तारीख को अपने हाथ से मिटा रहे हैं। ये दुनिया के पहले बददिमाग है। आइए इन्होंने किन किन चीजों के साथ क्या सलूक किया जरा देखिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, शकील भाई बड़ा करके दिखाइए, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जगह है, जहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई थी। अहले सुन्नत यहां जाते थे, मिलादुन नबी में सलाम पढ़ते थे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी की किताब में इसका बहुत तफसील से जिक्र मिलेगा, जज्बुल कुलूब के अंदर। वो फरमाते हैं कि अहले अरब का दस्तूर है कि मिलादुन नबी की रात में रसूलुल्लाह के जाए पैदाइश पर जाके रात भर मिलाद पढ़ते हैं। ये बुजुर्गों से साबित था। इन बदबख्तों ने वहां एक लाइब्रेरी बना दी और वहां पाबंदी लगा दी, मिलादुन नबी के वक्त वहां ताला लगा दिया जाता है। दो बदबख्त पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, दो चार चलो भागो यहाँ, शिर्क शिर्क शिर्क, हाजी ये सब नहीं। ये रसूलुल्लाह की विलादत की जगह है, वहां इन्होंने एक मकतब कायम कर दिया। आगे आए, ये हजरत आमना रदी अल्लाह तआला अन्हा का मकान है जहां सरकार का बचपना गुजरा है। ये पूरा ढाकर खंडर बना दिया गया, तुर्की हुकूमत तक इसकी हिफाजत की जाती रही, मगर इन बख्तों ने इसको ढाके खत्म कर दिया। उसके बाद आइए, ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हा का मकान है जहां हिजरत के बाद सरकार सबसे पहले तशरीफ लाए थे। ये दो मंजिला मकान जो तुब्बे अव्वल हुमेरी ने बनाया था, और हजरत अबू अय्यूब अंसारी तुब्बे अव्वल हुमेरी के जमाने के जो बहुत बड़े आलिम थे, उनकी नस्ल से थे, नस्ल दर नस्ल वो इनकी विरासत में आया। अल्लाह के नबी हिजरत के बाद यहाँ तशरीफ लाए, यहाँ कयाम रहा रसूलुल्लाह का। ये मकान मुतवर्रिक था, जायरीन जियारत की गरज से जाते थे, ढाके खंडर में तब्दील कर दिया गया है। ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन रदी अल्लाह तआला का मकान है। ये इमाम ज़ैनुल आबदीन के मकान को भी बिल्कुल नस्व नाबूद कर दिया गया है। ये जन्नतुल बकी है, 1925 तक जन्नतुल बकी की ये कैफियत थी, जो एक बड़ा कुब्बा आपको पूरा फुल में दिखाइए, मुझे मत दिखाइए, मजमे को भी हटा दीजिए आप शकील भाई, अब ये काम की चीजें है। ये जो बड़ा कुब्बा आपको राइट हैंड में नजर आ रहा है, ये कुब्बते अहलुल बैत कहलाता था। ये इसमें जनाबे फातिमतु ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अब्बास, इमाम जाफर सादिक, इमाम हसन वगैरह की मजारें थी। ये जन्नतुल बकी पुराने उसकी तस्वीरें इस शक्ल में था, और उसके बाद इन नजदी हुकूमत ने ढाया और ढाके उसको आज इस कैफियत में कर दिया है। ये जन्नतुल वकी मौजूदा सूरत हाल ही है जन्नतुल वकी की। ये जन्नतुल माला है जहाँ पे सरकार की पहली जौजे मुतहरा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा की मजार है, और रसूलुल्लाह के खानदान के कई अफराद हैं और कई सहाबा इकराम यहाँ दफन है। ये जन्नतुल माला का कब्रिस्तान पहले इस शक्ल में था, नजदी हुकूमत ने इसको ढाया और ढाके अब इस हालत पे है ये। और एक बात और अर्ज करना चाहूँ, आपको बताऊँ, बड़ी तकलीफ़ देह बात है कि इस जन्नतुल माला के बीच एक सड़क गुजारी गई। जब सड़क गुजार रहे थे तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी का मज़ार दरमियान में आया। तो हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत गैर मुस्लिम होने के बाद भी इतना तो एहतराम करती है कि अगर कोई दरगाह आ जाए तो सड़क को तिरछा कर दिया जाता है, प्लान चेंज कर दिया जाता है। मगर इन बदबख्तों ने ख्वाजा उस्मान हारूनी की मज़ार पर से सड़क गुजार दी। ये हजरत आमना रदी अल्लाह तआला सरकार की वालदा मोहतरमा की मज़ार है, जिसको ढाकर इन्होंने निस्फो नाबूद कर दिया और यहाँ कचरों के अंबार डालने शुरू कर दिए। और इसके ताल्लुक से आज से तकरीबन 10 साल पहले पाकिस्तान के एमबीसी के दो या तीन लोग गए थे, मेरे पास इसकी पूरी रिकॉर्ड वो है बाकायदा प्रूफ। उन जब वो वहाँ फातिहा पढ़ रहे थे तो वहाँ के नजदी पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया, उनको मालूम नहीं था ये पाकिस्तान एमबीसी के है। पकड़ने के बाद उनको ले आया कि वो काजी के सामने पेश कर दिया कि ये कब्र पे शिर्क व बिदअत कर रहे थे।
इत्तेफाक से उनको अरबी आती थी, इन्होंने अरबी में गुफ्तगू की, तो काजी ने कहा कि ये एक काफिरा की मज़ार है माज़ल्ला, और वहाँ पे जाना जो है वो कुफ्र शिर्क है। उन्होंने कहा पाकिस्तान एम्बेसी के हमारी बात करवाई जाए पाकिस्तान एम्बेसी से। उन्होंने पहले यकीन नहीं किया, दो दिन उनको जेल में लॉकअप में रखा, उसके बाद काजी से बहुत बहस हुई उनकी। जब उन्होंने फ़ोन कराया मालूम हुआ वाकई पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, तो कहा कि अब यहाँ से चुपचाप सीधा चले जाओ वरना हम तुमको गायब कर देंगे, फिर देख लेंगे जो होना है होगा। वो जब आए तो उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश जहाँ जहाँ अहले सुन्नत थे बड़े बड़े इदारों में बाकायदा इसकी रिपोर्टिंग भेजी। उस वक्त नागपुर में दारुल उलूम अमजदिया में भी वो एक पूरा उनका ख़त आया था। उस वक्त मैं अमजदिया के अंदर मेंबर था, और उमदतुल मुहक्किकीन हज़रत मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब क़िबला अलैहि रहमा उस वक्त वहाँ के मोहतमिम थे, तो वो हज़रत से वो काफ़ी मुझे मिली, उसमें पूरी रुदात छपी थी। और उन्होंने तमाम अहले सुन्नत के बड़े बड़े इदारों में वो लेटर लिख के कहा था कि रसूलुल्लाह की वालदा के ईमान के बारे में हमारी किताबों में क्या है वो आप तहरीर करके भेजिए, वो सारे फतावे हम अमेरिका में करके भेजिए, वो सारे फतावे हम अमेरिका में वहाँ सऊदीया में भेजेंगे। तो हज़रत आमना को माज़ल्ला ये काफिरा कहते हैं माज़ल्ला। और तज़किरतुर रशीद के फतावे रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही से किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह के वालदैन मोमिन है या काफिर, तो रशीद अहमद गंगोही जवाब देते हैं कि रसूलुल्लाह के वालदैन काफिर है, और उसी किताब में लिखा यजीद मोमिन है। मैं बिश्ती मोहल्ले में इसका इस पर पूरा बयान कर चुका हूँ, और मैंने वहाँ एक दलील दी थी, क्योंकि इश्क की बात है, मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मजमा बड़ा वसी है। मैंने कहा था कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा का मोमिन होना तो ऐसा मुसल्लम है। हज़रत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह तफ़सीरुल बयान में फरमाते हैं कि हज़रत यूनुस अलैह सलाम को जिस मछली ने निगला था, 40 दिन आप उस मछली के शिकम में रहे, 40 दिन के बाद उस मछली ने आपको उगला, तो अल्लाह ने उस मछली से ख़िताब किया, फरमाया मछली तू मेरे नबी को मेरे एक पैगम्बर को अपने शिकम में लेकर गर्दिश करते रही, दरिया में घूमती रही, इसकी हिफाजत किया, बता इसका इनाम क्या चाहती है। मछली ने कहा रब्बे कायनात मैं ये इनाम चाहती हूँ कि तेरे महबूब की जो नहरे कौसर है जन्नत में मुझे उसमें डाल दे ताकि मैं जन्नतियों के साथ खेलूँ। अल्लाह ने डाल दिया, जन्नत में वो मछली मौजूद है और हमेशा रहेंगी, जन्नती उससे दिल लुभाएंगे। अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाते अजीज गौर तो कर, वो मछली जिसमें यूनुस 40 दिन रहे वो जन्नती है, जिस शिकम में नबियों का सरदार 9 माह रहा है। जिस शिकम में 9 माह नबियों का सरदार रहा हो उस शिकम को तुम जहन्नमी कहते हो, शर्म नहीं आती? और तुम्हें अपने काफिर कहने का बड़ा दर्द होता है? जब हम कहते हैं कि इमाम अहमद अदा ने तुम्हें काफिर कहा तो कहते हैं काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। अच्छा, ये मुंह और मसूर की दाल, अरे तुम तो ऐसे बदतर काफिर हो, ऐसे बदतरीन काफिर हो। हुस्सामुल हरमैन में हजरत अल्लामा अबू साले रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये ऐसे बदतरीन काफिर है कि काफिर को भी इनकी सोबत से बचाओ, क्योंकि आज काफिर है तौफीक दिया अल्लाह ने तो ईमान ले आएगा जन्नती हो जाएगा, इनकी तौफीक में कलमा पढ़ भी लिया तो और जहन्नम के गड़े गार में चला जाएगा, कहीं का नहीं छोड़ेंगे ये लोग। तो ये मुकद्दस मकामात के साथ इन्होंने किया, और प्लानिंग क्या है अब जरा इनकी प्लानिंग इन्हीं के जुमलों में आगे मैं सुनाता हूँ आपको, सुनिए कब्रों के ताल्लुक से इनका नजरिया क्या है। ये तो और अगर इस्लामी हुकूमत हो और मुआहदों के हाथ में हुकूमत आ जाए तो ये धरती कभी भी इन कब्रों के साथ नहीं रह सकती, इस धरती को पाक कर दिया जाता है। अल्लाह रहमत करे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह पर, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़े को इस पाक सरजमीन सऊदी अरब से बुलंद किया। मोहम्मद बिन सऊद से अल्लाह राजी हो रहिमहुल्लाह, उन्होंने इमाम मोहम्मद का साथ दिया, और ये धरती जहां पर दरबार लसूड़ी शाह फसूड़ी शाह एट शाह कामा वाली सरकार के नहीं थे, जहां जैद बिन खताब का कुब्बा था, जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां सहाबा की कब्रें थी, इन सारे दरबारों से इस धरती को पाक करके, जहां जैद बिन खताब का कुब्बा था, जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां सहाबा की कब्रें थी, इन सारे दरबारों से इस धरती को पाक करके यहां एक अल्लाह के घर को छोड़ा गया और ऐलान किया गया लोगों ये पेशानी झुक सकती है तो अरश वाले के सामने, और बंदे की पेशानी बंदे के सामने नहीं झुका करती।
अल्लाह रहमत करे इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह पर, जिसने एक बार फिर इस धरती को शिर्क से पाक किया और रब के घर में खड़े होकर रब से डर कर कहता हूं, अल्लाह की कसम कायनात की सैर कर लो, अल्लाह की कसम कायनात की सैर कर लो, आपको इमाम अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह की इस पाक सरजमीन के अलावा कोई धरती नजर नहीं आएगी जहां पर अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना किया जाए। ये वो धरती है जहां पे कर्तन छुपती है तो अल्लाह के सामने, आवाज बुलंद होती है तो अल्लाह के नाम की, अल्लाह के अलावा किसी और की दरगाह नहीं है, इस धरती को पाक कर दिया गया। इसके कुछ जुमले सुनाता हूं मैं। धरती को पाक कर दिया है, या ज़ैद बिन खत्ताब के कुब्बे थे या खुतीजा के दरबार थे। खुतीजा कौन? हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा, हजरत उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह की ज़ौज मुतहरा, नबी की सबसे पसंदीदा और सबसे महबूब बीवी, इनकी मज़ार थी। इन मज़ारों को पाक कर दिया अब्दुल वाहद नजदी ने। माज़ अल्लाह, ये थे तो हम नापाक थे। ये अंदाज लगाइए कितनी जहर भरा हुआ इन लोगों में। और फिर ऐलान किया कि पेशानी झुक सकती है तो अल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा किसी के सामने पेशानी नहीं झुक सकती। यहां पर सिर्फ एक ही दरबार, एक ही दरगाह रह सकती है, वो है अल्लाह की दरगाह। मेरे समझ में नहीं आएगी अल्लाह की दरगाह कहां से आ गई। हमारे यहां दरगाह किसको बोला जाता है? अब वो दरगाह के मायने लफ्जी लाएंगे, वो दरगाह बारगाह भी होती है और ये भी होती है, लेकिन उमूमी तौर पर जब दरगाह का लफ्ज का इतलाक होता है जहां साहिब कब्र हो। तो अब आइए, ये इनके जुमले थे। अब ये दूसरे साहब को सुनिए, मेराज रब्बानी साहब को, कि जहां भी कोई मूर्ति नजर आए उसको उसको खत्म कर दो। वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, और जहां कहीं भी ऊंची पुख्ता कब्र नजर आए उसे पस्त कर दो। ये नबियों का काम है, ये सहाबा का काम है। मुसलमानों उठो और इन बने हुए दरगाहियों को और इन बने हुए कब्रों को इनको बम ब्लास्ट कर दो, इनको उड़ा दो, इस दुनिया से नीस्तो नाबूद हो जाएं, ताकि सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की मस्जिदें इस दुनिया के ऊपर रहें जो अल्लाह का घर है। ये शैतानों का घर है जहां मंदिरों से भी बदतर है। तुम जिहाद की बात, हमें यहीं पे गुस्सा आता है जब लोग जिहाद की बात करते हैं, जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे। अब पहले अपनी मंदिरों को तोड़, पहले इन मंदिरों को तोड़, फिर हिंदुओं की मंदिरें खुद ब खुद जो है तुम्हारे नारों से खत्म हो जाएंगी और हिंदू बेचारा मुसलमान हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों उठो, और नौजवानों खास तौर से ये मेरी नसीहत है, और जहां कहीं भी मेरी आवाज जाए, दुनिया से इन सारे मदारों को पस्त कर दो, और इन बुजुर्गों की सीनों के ऊपर, इन जालिमों ने जो इनकी हड्डियां बेच बेच खाने के लिए खानकाह और दरगाहें बनाए हैं, अगर ये आड़े आए तो इनको खत्म कर दो, दुनिया मिटा दो, शिर्क मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तौसीफ़ुर रहमान महराज रब्बानी साहब कह रहे कि बम ब्लास्ट कर दो जहां दरगाह है, बम ब्लास्ट। ये सब जुमले याद रखना, फिर मैं आगे कुछ बहुत अहम चीजें दिखाऊंगा। अब मैं कहना यहां ये चाहता हूं बड़ी संजीदगी के साथ, तौसीफ़ुर रहमान साहब और इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, महराज रब्बानी ने कहा कि सरकार ने हुक्म दिया कि जहां भी जो पक्की कब्र दिखे उसको ढा दो। मेरा एक सवाल है छोटा सा, वो कब्रें किसकी थी जिसके ढाने का हुक्म दिया गया? वो कब्रें सहाबा कराम की थी? अगर सहाबा की थी तो फिर वो कब्रें तो रसूलुल्लाह के ज़माने में ही बनी होंगी, सरकार की मौजूदगी में बनी होंगी, तो फिर खिलाफ शरा कैसे बनी? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कब्रें मुशरिकीन की थी वो। और ये मैं नहीं कहता, खुद तौसीफ़ुर रहमान भी इसका इकरार कर रहा है, जरा सुन लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को फतह किया, हजरत अली को कहा, अली जाओ हर बुत को तोड़ डालो, हर ऊंची कब्र को मिला दो, हर पक्की कब्र को तोड़ डालो। औकमा काल अलैहि सलातु वसलाम, सही मुस्लिम की रिवायत, इन पीरों को, इन पगाड़ों को, कब्रों के मुजावर सज्जादा नशीनों को, और इन मौलवियों मुफ्तियों को, और हराम खाने वाले हमारे मुल्क के इन मुल्लाओं को ये हदीस शरीफ बताई जाए कि जालिम हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अपने गुलाम अबुल हय्याज को ये कह करके भेजा कि क्या मैं तुझे उस काम के लिए न भेजूं जिस काम के लिए मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, कि जहां भी कोई मूर्ति नजर आए उसको उसको खत्म कर दो। वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, और जहां कहीं भी ऊंची पुख्ता कब्र नजर आए उसे पस्त कर दो। ये नबियों का काम है, ये सहाबा का काम है। खुद मेराज रब्बानी और तौसीफ़ुर रहमान ने एक बात कही कि जब रसूलुल्लाह ने मक्का फतह किया तो आपने फरमाया जहां भी कोई बुत नजर आए उसको ढाल दो, और जहां भी कब्र आए, तो बुत के साथ कब्रों का जिक्र आया, इसका मतलब यह था कि वो कब्रें मुशरिकीन की थी, मोमिनीन की नहीं थी जो ढाने की बात की गई। अब आइए दूसरा, मैं इसकी दलील देता हूं। अगर कब्रों को निस्फ नाबूद करना रसूलुल्लाह का तरीक़ेकार था, तो फिर इस हदीस का जवाब क्या होगा?
हदीस पाक है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जिल नंबर 2 किताबुल जनायस, हदीस नंबर 1432, और इसको इब्ने माजा ने भी बाब माजा फी जनाज फी फील जनाइज के अंदर इसको नकल किया, हदीस नंबर 1561 के तहत।